गाइस एलजी की मशीन है 9.5 केजी के न्यू मॉडल सेमी ऑटोमेटिक। और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका एक तो गियर बॉक्स चेंज होना है, तो गियर बॉक्स चेंज करने से पहले तो हम इसका पल्सेटर खोलेंगे। क्योंकि मशीन ये 6 से 7 महीने बंद रही, तो पल्सेटर तो निकल नहीं रहा, क्योंकि पल्सेटर के साथ इसकी गरारी फंसी हुई है। क्योंकि इसका ये अभी किसी कस्टमर को दिखाया था तो वो ऐसे ही छोड़ के चले गए, और इसको मोटर भी खोल के चले गए थे, इसका पल्सेटर भी ऐसे ही खोल के गए। तो आज हम इसको चेक करेंगे और इसका पल्सेटर भी हम चेंज करेंगे, साथ में इसके मोटर भी चेंज करेंगे और इसके वेल्ट भी चेंज करेंगे, और साथ में इसका हम गियर बॉक्स भी चेंज करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे, और कैसे चेंज होता है, मशीन में क्या क्या होता है वीडियो में हमने दिखाया है, और अगर मान लो कभी अगर ऐसे फंस जाता है तो कैसे खोलना चाहिए ये भी वीडियो में दिखाया है। तो ऐसे ही वीडियो में बनने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लोगों को ये पता रहे कि मशीन में अगर लोड रही ले रही है तो क्या क्या चीज़ें चेंज करना ज़रूरी है। तो बने रहे वीडियो में। ये मोटर है, इस मोटर को हम चेंज कर दिया है। मोटर हमने नंबर ये मोटर हम लगा रहे, और मोटर के साथ साथ इसकी पुल्ली भी है और इसकी बेल्ट भी है, तो हमने मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या है कि गियर बक्सा वगैरह भी लगा दिया है, और गियर बक्से के साथ पल्सेटर वगैरह सेट कर दिया है। तो अब मशीन को हम चेक करेंगे मशीन कैसे वर्किंग कर रही है। और ऐसे मशीन में क्या है कि मशीन में सबसे पहले ये देखना है कि गियर बक्से पुल्ली में प्ले नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है, और बेल्ट लूज नहीं होनी चाहिए। बेल्ट का जो साइज है, और साइज के अकॉर्डिंग मोटर पुल्ली और गियर बक्सा पुल्ली दोनों को ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बुश खाने लगती है। तो इसी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं, ताकि हर मैकेनिक भाई को नॉलेज रहे जो